हमारी मेंटेलिटी में क्या है कि भाई हमारी आर्मी बहुत आगे है, क्यों हमारी आर्मी जो है ना वो जो पांव उठाती है ना वहाँ पे बागा बॉर्डर पे, वो इंडिया के आर्मी से ऊंचा उठता है। दिस इज हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज व्हाट वी परसीव इन फैक्ट। एवरीवन नोज दैट इंडिया इज नंबर वन। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वो उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उसके मुकाबले में बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा। चाइना हमारे पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप उसका अगर मॉडल देखिए, उसने सिमिलर इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में की थी। श्रीलंका कहाँ स्टैंड कर रहा है? उसने श्रीलंका की वो पोर्ट ना सिर्फ अपने कब्जे में कर लिया, पूरा सूबा उसने अपने अंडर ले लिया हुआ है, वो पूरे सूबे में इसमें उसकी आर्मी है। आप देखें जब आप डिफॉल्ट करेंगे, और कहा यह जाता है इंटरनेशनल एनालिस्ट जो उनसे हैं वो ये कहते हैं कि श्रीलंका का डिफॉल्ट हुआ उसमें बड़ी रीजन चाइना की भी है। Exactly, क्योंकि सबसे बड़ा लोन इसी का था। सबसे पहले तो ये देखें ना कि मोदी सरकार जो है 10 साल तक मोदी सरकार ही वहाँ पे एक टिकी हुई है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपका फोकस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब एक हुकूमत स्टेबल करती है ना, वो जो प्लान जो उसके जो एम होते हैं कि हमने ये काम शुरू करना है वो उसको मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे 3 साल किसी की चली तोड़ दिया, 2 साल किसी की चली, 5 साल चली। उन्होंने अभी लास्ट ईयर 15 अगस्त को अपने जितने भी आईटी के एक्सपर्ट थे उन सबको नवाजा और उनको प्रमोट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो उन्होंने कहे दीज आर आवर हीरोज, और हमारे हीरोज कौन है? टिकटॉक स्टार्स। कंपैरिजन नहीं करवाते कि वो देखें वो कहाँ तरक्की कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पे जाई जा रहे हैं, बस ये दिखाते हैं जी वो देखें जी ये वहाँ पे ये हो गया, उनके फसादा चल रहे हैं, उनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं उनकी। वेल इंडिया आज में अगर एक डिकेड पहले की बात करूं तो इंडिया से हम जब कंपैरिजन में ड्रॉ करते थे हम कहीं रिलेटिवली इनके आसपास होते थे, बट नाउडेज अब यू कैन सी दैट कि हम लोग उनके करीब ही नहीं है, बिकॉज उनकी इकॉनमी 600 बिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गई है, वी डोंट इवन हैव द 3 बिलियन डॉलर्स राइट नाउ। तो हमारी जो यूथ है उसने कभी भी अपने प्राइवेट बिजनेस की तरफ नहीं आई है, दे आर सिक का कसूर है या हमारे पास विजन नहीं है, हमें कोई विजन देने वाला नहीं है? डेफिनेटली सम हाउ विजन का भी कसूर है, क्योंकि हमारे जो बेसिकली स्टडी या एजुकेशनल सिस्टम है वो इस तरह से ग्रो ही नहीं किया हम लोगों ने कि हम अपने यूथ को इस बारे में अपडेट कर सकें कि भाई आपने अपना बिजनेस की तरफ फोकस करना है। इवन somebody who's doing MBA specifically in the business development and he's doing job, मतलब MBA करके बिजनेस की डिग्री करके करते हैं हम जॉब है, जॉब भी करें अच्छी बात है, लेकिन जॉब भी उस तरह की नहीं मिलती जिस तरह की वो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और वही क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उतनी है नहीं। खबर ये है कि जैसे अभी पाकिस्तान में भी फ्यूल का बहुत इशू रहता है, इंटरनेशनल लेवल पे फ्यूल का इशू रहता है। इंडिया ने पहले इलेक्ट्रिक बाइक बनाई, फिर इलेक्ट्रिक कार बनाई, मर्सिडीज बनाई जो 850 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे चलती थी। अब इलेक्ट्रिक प्लेन वो बनाने जा रहे हैं जिसकी अप्रूवल उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है, डिजाइन हो चुका है, 2024 में वो बना लेंगे। वो किधर को जा रहे हैं और हम किधर को जा रहे हैं? वेल इनफैक्ट ये तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आईटी फर्म्स की अगर बात करें दे आर फार बियॉन्ड अस। इनफैक्ट अगर उनको इंडिया तो हम कंपैरिजन में ला नहीं सकते ना, यू कांट इवन थिंक अबाउट दैट। सीख तो सकते हैं, वी कैन लर्न इट, बट आप ये देखें जिस मुल्क ने 200 साल से सिर्फ वॉर्स ही देख रहे हैं, उसने आपसे पहले एक व्हीकल डेवलप कर लिया है, उसने अपने हमारे नेबर कंट्री अफगानिस्तान ने अपने अंदर एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया हुआ है। वी आर नॉट एबल टू हैव अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एनी व्हीकल राइट नाउ। हो गया बांग्लादेश की आप बात कर लें, इसके अलावा और इवन मैं कहता हूँ आप चाइना की बात कर लें, हमारे से 2 साल बाद आजाद हुआ। Exactly. और आज हम उसके सहारे चल रहे हैं, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, कहां पे जाके हमारा जो है वो फोकस हटा या शुरू से हमें कोई डायरेक्शन दी नहीं गई 1947 से लेके अब तक? राइट, अगर हम 1947 से ऑनवर्ड की बात करें तो हम अभी तक सीरियसली डायरेक्शन लेस हैं, बिकॉज हम एक जब वॉर्स लग जाती हैं तो उससे अगेंस्ट जो हमें फॉरेन फंडिंग आ रही होती है, तब हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है, हम सब कुछ कर रहे होते हैं, हमारा उसमें इकॉनमी भी ग्रो कर रही होती है, जीडीपी भी बड़ा अच्छा होता है। लोगों को ये लगता है कि शायद पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, ये नहीं पता वो फॉरेन एड आ रही है, वो बाहर से डॉलर आ रहे हैं। ठीक है, वही देखें अब ये रिसेंट जब हम देख रहे थे यार कि मुशर्रफ का दौर था तो बहुत इकॉनमी ग्रो कर रही थी, हमें ये नहीं पता था कि 52 बिलियन डॉलर इनफैक्ट उसने इन्वेस्ट किया अमेरिका ने हमारे साथ, तो उस दौरान हमारी हमें इकॉनमी ग्रो करती हुई नजर आई। तो आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा ना अमेरिका ना चाइना उस तरीके से, इवन सीपैक पे कभी काम रोक देता है कभी फिर चला देता है, क्या वजह है आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा? पाकिस्तान तो अभी भी वही है। इनफैक्ट देखिए हमें ना कोई डिफाइन करनी पड़ेगी अपनी बाउंड्रीज, आइदर वी आर विद द चाइना एंड रशिया की उस ग्रुप में है, आइदर विद द अमेरिका, या फिर हम न्यूट्रल, तीसरी ऑप्शन भी है। इवेंचुअली हम अपनी स्टेज ही डिफाइन कर पा रहे कि वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, तो ये हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है कि हम अभी तक अपनी स्टेज डिफाइन नहीं कर पाए हैं। और हम जो एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले करते थे 1970s में, देखें हम आपका जो प्रेसिडेंट था वो ये कहता था देखें वी आर द स्मार्ट पीपल, वी आर शोइंग दैट कि वी हैव द न्यूक्लियर पावर, बट वी आर शोइंग दैट वी डोंट हैव द न्यूक्लियर पावर बट एक्चुअली वी हैव, सो ये हम वो स्मार्टली प्ले करते थे, लेकिन अब वो डिप्लोमेटिकली हम नहीं प्ले कर पा रहे।
बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा अच्छा लगा बात करके। और कल योम तकबीर है, मतलब एटॉमिक पावर के हवाले से हम जो एक दिन मनाते हैं वो कल के दिन हम मनाएंगे। आपने बोला कि पाकिस्तान में विजन नहीं है, एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान के लोग टैलेंटेड है या पूरी दुनिया में हमने एक वो सेंटेंस रखा हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट नजर क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में नजर नहीं आता, दुनिया में बाहर जाके परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रही है यूथ एजुकेटेड लोग, या फिर है ही नहीं टैलेंट? सर देखें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के जो ग्रो किए ना, मैं आप देखेंगे जितने भी दुनिया में जो 7 एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अमेरिका में ग्रो करते हैं, वो बाकी दुनिया में क्यों नहीं ग्रो करते? एक्चुअली वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, वो अपॉर्चुनिटीज़ वो इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। आप यहाँ पर देखें जितने भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करेंगे ना, उसमें से 90% फेल हो जाएंगे। उसकी क्या वजह है? उससे हमें सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता। अमेरिका में वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है उन लोगों को जो एंटरप्रेन्योर ग्रो करता है, और इसी वजह से देखिए उनकी आज जितने भी स्टार्ट हुए हैं स्टार्टअप्स हैं उसमें से 7 स्टार्टअप अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अच्छा लगा बात करके। देखें अगर ऑयल की बात करें, थोड़ा सा इधर आ जाएं, ऑयल के की बात की, और ऑयल पे गाड़ी भी चलने वाली आ गई है, मुझे ये बताएं ऑयल की बात करें, अभी इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, आपको शायद पता ही होगा, ना सिर्फ ले रहा है आगे वो सेल कर रहा है, हम क्यों नहीं रशिया से ऑयल ले पाते? और दूसरे नंबर पे ऑयल के ऊपर जो चीजें चलती हैं, जो मतलब व्हीकल्स हैं, सब कुछ डिपेंड करता है ऑलमोस्ट पाकिस्तान में अगर महंगाई की बात करें वो ऑयल के ऊपर है, हम क्यों नहीं इसे कंट्रोल करने पे, या फिर इसके नेमुल बदल, इसका कोई अपोजिट कोई इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी की तरफ क्यों नहीं आ जाते? नहीं एग्जैक्टली, बट समहाउ पाकिस्तान हैज इंपोर्टिंग राइट नाउ, थोड़ा देर से डिसीजन लिया है इन लोगों ने, बट डिसीजन ले लिया है। पहला जो है वो 24 मई को पहला बेड़ा लग गया हुआ है कराची में, रशिया से जो आया है, और वो इंशाल्लाह पाक अरब रिफाइनरी से रिफाइन होगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान में यूज़ होगा। बड़ा देर से डिसीजन लिया क्योंकि ये इंडिया लास्ट 2 सालों से इंपोर्ट कर रहा है, नाउ सऊदी अरब इज इंपोर्टिंग फ्रॉम देम, एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी वहां से ऑयल इसलिए ले रहा है क्योंकि उसकी अपनी कंपनी जो प्रोड्यूस इंडिया से रशिया सऊदी अरब इज इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया क्रूड ऑयल, बिकॉज उन्हें जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उन्हें महंगा पड़ रहा है, वो सस्ता दे रहे हैं उन्हें निकाल के, बिकॉज उनके ज़ाहिर है पाबंदियां, तो उन्होंने तो बेचना है अपना ऑयल बेसिकली, फाइन करके आगे वो मस्जिद जहाँ पे भी सेल करना है वो करते हैं। ये बातें मतलब ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। मैंने ये बोला था 2-3 मिनट की बात करेंगे, लेकिन आई थिंक 6-7-8 मिनट की होगी होगी यही सोच। लेट्स सपोज थोड़ा सा मेरे में नॉलेज है, काफी ज्यादा आप में नॉलेज है, चीजों को जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, यही सोच ये भाई में कैसे आएगी, ये भाई में कैसे आएगी, पाकिस्तान की यूथ में कैसे आएगी? मतलब जो टॉपिक था कि हमारा विजन ऐसा कब बनेगा कि भाई दुनिया जहाँ चल रही है उसके मुकाबले में जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हम जो तकिया ने उसी एजुकेशन सिस्टम एक बनाया हुआ है ना कि वो एक प्रोड्यूस इसने मेंटेलिटी वो करनी है कि जिसने सिर्फ जॉब करने के लिए, उसने एक मुलाजिम पेशा लोग प्रोड्यूस करने हैं, इसके अलावा सेकंड अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करनी उसने, तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। सेकेंडली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तरह के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाए जा रहे कि हमारा जो यूथ है वो वेल अवेयर हो और वो अपने लिए कुछ कर सके। मीडिया की अगर बात करें, मीडिया भी ये चीजें बताया कि भाई दुनिया चली किधर गई है, दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, और खास तौर पे वो कंट्रीज जिन्हें हम बार बार अपना हरीफ कहते हैं, अपना दुश्मन कहते हैं, वो दुश्मनी में आप लगे रहे और वो डेवलपमेंट में आगे चले गए। डेफिनेटली देखें उन्होंने अभी जितने भी आप उनके लास्ट देखेंगे ना, उन्होंने अभी लास्ट ईयर 15 अगस्त को अपने जितने भी आईटी के एक्सपर्ट थे उन सबको नवाजा और उनको प्रमोट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो उन्होंने कहे दीज आर आवर हीरोज, और हमारे हीरोज कौन है? टिकटॉक स्टार्स। हाउ पैथेटिक इट इज कि हमारे हीरोज जो है टिकटॉक स्टार हैं, जो और वो ऐसे टिकटॉक स्टार्स हैं अगर आप उनका कंटेंट देखें तो आपको देख के शर्म आ जाएगी, और वो अपने स्टार्स किनको कह रहे हैं? जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं। एक बड़ी मतलब यह है कि इंटरेस्टिंग सी बात करने लगा हूँ कि जो लॉजिकल बात करता है या अथेंटिक बात करता है या पाकिस्तान की पब्लिक को चेहरा आईना दिखाता है कि भाई देखें हम इस टाइम हकीकत में यहाँ खड़े हैं, उसे फिर बड़ी प्यार से मुलायम तरीके से एजेंट कह दिया जाता है कि भाई ये देखो ये तो इंडिया की तारीफ, ये देखो अमेरिका की तारीफ कर रहा है। भाई आप दुश्मनी कर लो वो ठीक है, तारीफ क्या मतलब बता दो कि वो दुश्मन आपका कहाँ चला गया वो गलत है। नहीं इनफैक्ट हम रियलिटीज को सुनना ही नहीं चाहते, यही बात है, हमें झूठी झूठी तारीफ समझ तारीफ। देखिए आज तक हम यही सोचते हैं, देखिए हमारी मेंटेलिटी पता क्या है कि भाई हमारी आर्मी बहुत आगे है, क्यों? हमारी आर्मी जो है ना वो जो पांव उठाती है ना वहाँ पे बागा बॉर्डर पे, वो इंडिया के आर्मी से ऊंचा उठता है। दिस इज हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज व्हाट वी परसीव इन फैक्ट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हम हकीकत जज्बाती से लोग हैं, हम ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते कि उसने जो हमसे टेक्नोलॉजी वो नासा। हम देखें इस टाइम जो अगर आप इंटरनेशनल प्रोग्राम में देखें ना, आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर ही नहीं है क्योंकि आपकी एक भी सैटेलाइट आपने खुद ने लॉन्च नहीं की है, इंडिया वालों ने की है, इंडिया वालों ने की, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर है, वो अपना तमाम इंटरनेट डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। हमने एक ही सैटेलाइट भेजी है वो चाइना के साथ मिलकर, और वो भी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर्ड है फिर चाइना, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन सिक्योर नहीं है।
सीक्रेट ऐसी चीजें। और अब इवन चाइना के बारे में ये भी फेमस हुआ है कि ऐसे कंट्री ना जिनकी पार्लियामेंट की जो उनसे वो सिक्योरिटी है वो चाइना ने अपने कंट्रोल में की हुई है, थ्रू कैमराज या इस तरीके से। तो पाकिस्तान की जो उनसी है वो आपको आए दिन आरटीओ वीडियो लीक नजर आती है। एग्जैक्टली सर, ये सारी इन्फॉर्मेशन से शेयर। एग्जैक्टली सर, एक तो ये सेगमेंट है सिर्फ, सेकंडली आप देखें चाइना के साथ, हम चाइना हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। आप उसका अगर मॉडल देखें, उसने सिमिलर इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में की थी। श्रीलंका कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसने श्रीलंका की वो पोर्ट ना सिर्फ अपने कब्जे में कर लिया, वो पूरा सूबा उसने अपने अंडर ले लिया हुआ है, वो पूरे सूबे में इससे उसकी आर्मी है। आप देखें जब आप डिफॉल्ट करेंगे, और कहा यह जाता है इंटरनेशनल एनालिस्ट जो उनसे हैं वो ये कहते हैं कि श्रीलंका का डिफॉल्ट हुआ उसमें बड़ी रीजन चाइना की भी है। एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे बड़ा लोन इसी का था, उन्होंने जब किससे उनकी डिफॉल्ट की है तो डेफिनेटली उन्हें तो पे बैक करना था, उनकी मेजर इन्वेस्टमेंट उनकी थी, तो वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है। आप देखें नेक्स्ट टाइम जो स्टेप हम जा रहे हैं, हमारा भी सिर्फ इसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं कहता हूं इस टाइम खबर ये आ रही है कि श्रीलंका की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर होती जा रही है, और पाकिस्तान जो इस टाइम कंडीशन में है, श्रीलंका डिफॉल्ट होके भी उससे बेहतर कंडीशन में है। सर आप श्रीलंका एक साथ हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की करेंसी हमसे दोगुना हो गई हुई है सर, वहाँ पे कंडीशन क्या रहती है अभी, तो वहाँ पर सर उनके सारे जितने भी फॉरेन फंड्स हैं वो तो ब्लॉक है, वो तो अभी इस टाइम वर्ल्ड जो उनका बैंक है उससे वो जो जितने भी अमाउंट है अपनी सिक्योर ही नहीं कर सकते अपने बैंक के अंदर, फिर उनकी इकॉनमी लेवल इतनी बेहतर होगी भी, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यही बातें हैं, जब ये बात कोई आम पाकिस्तानी करता है तो उसे चुप करवा दिया जाता है या फिर उसे गद्दार कह दिया जाता है, लेकिन जब तक हम इन इश्यूज पे नहीं बात करेंगे, जब तक लोगों को रियलिटी नहीं बताएंगे, हम आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। मतलब जब तक मैं आपको हकीकत नहीं बताऊंगा, पब्लिक को हकीकत नहीं बताऊंगा कि भाई ये जज्बाती नारों से कुछ नहीं होना, प्रैक्टिकली करने की जरूरत है। देखिए मैं जब तक अपने आप को खुद नहीं बताऊंगा ना कि मैं इन एरियाज में वीक हूँ, मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता, ऐसे ही है। So somehow हमें पहले अपने आप को बताना पड़ेगा दैट वी आर लैकिंग इन दीज पॉइंट्स, तब हम उन पे डेवलप कर सकते हैं ना, तभी हम उनमें कोई बेहतरी ला सकते हैं। जिन कंट्रीज को हम अपना हरीफ मानते हैं, पहले नंबर पे मैं बार बार कहता हूँ दुश्मन मानना ही नहीं चाहिए अगर आपने आगे बढ़ना है, रिलेशन बेहतर करना, लेकिन अगर आप दुश्मन कहते हो तो फिर उसकी जो बेहतर चीजें जिसमें वो आपसे आ गया वो भी तो बताओ। एग्जैक्टली, आप वो देखिए, वो आप हम उनसे देखें, अब कंपैरिजन हमारा बहुत डिफिकल्ट है कि हम कहें कि आज इंडिया से हम अपना कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप एजुकेटेड हैं, आप ये बात जानते हैं, यही बात यकीन माने मैं किसी नॉर्मल से पब्लिक में जाके बोलूंगा ना कि भाई हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकते, वो मुझे चपेड़े मारेगा कि तुम क्या बात क्यों क्यों तुमने ये कहा इंडिया से नहीं मुकाबला, हम इंडिया मेरे आगे क्या, वही ना हम इमोशनल है ना, बजाय कुछ सीखने से और ऊपर से हम घर में बैठ के मिसाइल बनाने वाले और फेंकने वाली कौम बन गए। इसको कहते हैं जाहिलियत, इसको कोई जज्बात को अब काबू रखेंगे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ एजुकेशन वाले पासे हम जाएंगे। लोग आजकल पढ़ाइयाँ कर लेते, वही मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी क्योंकि ऐसे गारमेंट की शॉप में लग गए, कारोबार तबाह हो पड़े। यही सवाल के मतलब आपने तो बोल दिया कि उनसे कंपैरिजन नहीं है, ये बात किसी अभी तो ये लोग खड़े हैं सुन रहे हैं, पूछूंगा तो शायद वो बियर करेंगे इस बात को, यकीन माने वहां पे मैं जाके कहूंगा ना कि भाई इंडिया से हम मुकाबला नहीं कर सकते, वो मुझे यकीन माने मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं ऐसा फेस कर चुका हूं, वो आपको वो मुझे कहेंगे तुम गद्दार भी हो और तुम ये कैसी बात कर रहे हो। एग्जैक्टली, वही ना हम एक इमोशनल नेशन है ना, हम जज्बात में रहते हैं और शायद हमें सिखाया भी इस तरह से गया है, हमें आज तक जितने भी हुक्मरान हैं उन्हें हमें ट्रीट इस तरीके से किया और हमने इन्हीं चीज़ों को हमारे यूज़ किया उन लोगों ने, क्योंकि इसमें पब्लिक का गलती नहीं है। जब मीडिया पे आपको ये दिखाया जाएगा कि हम जो उनसे ये है वो है, जब आपको बुक्स में ये बताया जाएगा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, और कोई भी सियासी पार्टी हो वो आपको पहले नंबर पे अगर कोई दुश्मन बताएगी तो बताएगी ही इंडिया, तो कहीं ना कहीं नफरत माइंड में आएगी। अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसी सोच अगर पाकिस्तान की यूथ में होगी, ऐसी सोच अगर पाकिस्तान के लेक्चरर्स में होगी, ऐसी सोच पॉलिटिशियंस में होगी, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि पाकिस्तान आगे जा सकेगा। कोई मैसेज लास्ट में, पाकिस्तान से भी लोग देखते हैं, इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं, कोई मैसेज देना चाहिए? सर मैसेज सिर्फ ये है कि हमारी जो यूथ है इन्हें पता होना चाहिए कि हमने ही करना है, ठीक है। हम आज 72 साल हो गए, हम यही देख रहे हैं कि बाहर से एड आ रही है तो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, भाई कब तक इसे चलेगा? हमें खुद ग्रो करना पड़ेगा, हमें खुद चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, हमें सारी चीजें खुद बनानी पड़ेंगी, जज्बाती हो के सोचने की बजाय डायरेक्शंस लेनी पड़ेंगी हमें। हम यहाँ से कम 50% एंटरप्रेन्योर्स खड़े हों 100 में से, तब हम इस अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे इंशाल्लाह। और इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम, मोहब्बत भरा या नफरत भरा, वो आप पे है? नहीं, डेफिनेटली बात है, देखें वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे, वी रिस्पेक्ट देम अ लॉट द वे दे हैव डेवलप्ड देयर सेल्फ, इनफैक्ट मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखता हूं, बिकॉज़ दे हमारे साथ हैं यार, उनमें और हम में कोई डिफरेंसेस नहीं है, एक रिलीजन का डिफरेंस डेफिनेटली है, लेकिन आप ये देखें एक खित्ते का एक बाकी मामलों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कल्चर एक जैसा है, हम साथ रहे हैं हजारों साल,
तो चीजें, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से चीजें अपनी ग्रो की हैं, लास्ट टू डिकेड्स में उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया है, और हमें चीजें एक्नॉलेज करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनसे सीखना भी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और सीखना सबसे पहले चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया मेरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? समीउल्लाह। आपका नाम? अली। क्या करते हैं? हम लोग जॉब करते हैं। जॉब किस सेक्टर में जॉब करते हैं? हम आईटी डिपार्टमेंट में। आईटी डिपार्टमेंट में आप भी? जी जी जबरदस्त। फिर तो आज का ये टॉपिक मतलब हमारा है भी एजुकेशन के रेलिवेंट है, आईटी के रेलिवेंट है, टेक्नोलॉजी के रेलिवेंट है, पाकिस्तान की यूथ। मैं टॉपिक की तरफ बाद में आता हूँ, पहले सिंपल क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की यूथ का फोकस इस टाइम पे किधर है? फोकस सारा जो है आप देखें आपके सामने है, सारा डी ट्रैक हो चुका है। एक चीज़ें अच्छी बली चल रही थी और उनको पकड़ के डी ट्रैक हर चीज़ को कर दिया गया, और इस बारे में हम तो नहीं बल्कि पूरा मुल्क ही, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी एज से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखता हो, इस पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो परेशान है और अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी अपसेट है और चीज़ों को उस तरीके से ग्रैब नहीं कर पा रहा जिस तरह से आज से कुछ अर्सा पहले तक ग्रैब की जा रही थी। आईटी की अगर बात करें आपकी फील्ड की, तो एशिया पूरे में आईटी की फील्ड में कौन सा ऐसा कंट्री है जो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? एवरीवन नोज दैट इंडिया इज नंबर वन। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उसके मुकाबले में बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा। यही मेरा मेन मकसद था ना कि हमारा फोकस ये इस साइड पे नहीं है, एजुकेशन की तरफ नहीं है। अभी इंडिया की आपने बात की, मैं उसी की आपको न्यूज़ बताता हूँ कि वहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक बाइक बनी, फिर इलेक्ट्रिक कार बनी, फिर मर्सिडीज बेंज जो तकरीबन 850 किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती, अब वो इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने जा रहे हैं जो कि प्रूव हो चुके हैं, उसका जो डिजाइन है अब वो 2024 तक बना देंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छी बात है और इस पे काम होना चाहिए। अगर एक इंसान, अगर एक नेशन जो है वो काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग उनको टारगेट करें वहाँ पे रख के जहाँ पे हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी है हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करने के साथ हमें सीखना चाहिए। देखिए मैंने भी तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आपने भी लेके जाना है। हमने लेके जाना है बेसिकली, यहाँ पे किसी एलन मस्क ने आके नहीं लेके जाना, हमने लेके जाना है, मैंने लेके जाना है, आपने लेके जाना है, हम क्यों नहीं, इससे ज्यादा आपने लेके जाना है और हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा फोकस क्यों नहीं, ये जो यूथ है इसे क्यों नहीं बताया जा रहा कि दुनिया किधर चली गई है और हम अभी तक अभी पीटीआई नून लीग के अंदर फंसे हैं, वो दुश्मन ये दुश्मन वो गद्दार ये गद्दार। यूथ को पता है, यूथ को पता है, तो क्यों नहीं हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हालात कुछ ऐसे बना दिए गए हैं या बन गए हैं जिसकी वजह से आप जितनी छलांग लगाना चाह रहे हो, जितना भी करना चाह रहे हो, आप बाउंड हो गए हो चीजों में। आप मुझे बताएं, आईटी के स्टूडेंट हैं, एजुकेटेड हैं, मुझे ये बताएं कि जो इस टाइम पाकिस्तान में महंगाई है, मेन रीजन क्या है, कौन सी ऐसी चीज जो सस्ती हो जाए तो महंगाई कम होगी? एक चीज अनस्टेबिलिटी जो है हुकूमत की, सबसे बड़ी जो है ना बात चीजों में, पेट्रोल आटा कौन सी ऐसी चीज है उसमें? तो ऑब्वियसली पेट्रोल है, पूरी मैशियत को ठीक होना चाहिए, सस्ता होगा पेट्रोल की, पेट्रोल खाली सस्ता होने से कुछ भी नहीं होना, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिलीफ मिलेगा, अफेक्ट करता है पेट्रोल हर चीज के ऊपर, अफेक्ट करता है। यही जैसे अब वो इंडिया वाले हैं वो इलेक्ट्रिक जो अपने की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे फ्यूल की जो है वही खपत जो है वो पूरी नहीं हो पा रही किसी तरीके से, ऊपर से जो गर्मी आती है तो फिर बिजली की लोड शेडिंग, फ्यूल पूरा नहीं है। हम लोग इन बेसिक चीज़ों में, आप देखें आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, हम लोग इन बेसिक चीज़ों में फंस के रह गए हैं, हमारा जो फोकस है वो सिर्फ इसी चीज़ पे कर दिया गया कि यार मैं सोऊंगा तो लाइट चले जाएगी तो मैं उठ जाऊंगा, सोऊंगा लाइट चले जाएगी उठ जाऊंगा, या फिर जो शादीशुदा लोग हैं बच्चों वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं रोटी कपड़ा और मकान, किस तरीके से अपने बच्चों को रोटी देनी है, किस तरीके से अपने बच्चों को छत देनी है, हमें विजन कैसे मिलेगा? मतलब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ, डेफिनेटली आप भी चाहते होंगे पाकिस्तान आगे जाए, डेफिनेटली आप भी चाहते होंगे, आईटी के स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली, तो क्यों नहीं जा पा रहा और क्या ऐसा किया जाए, गवर्नमेंट पब्लिक या अदारे क्या ऐसा करें कि हम भी, जो आपने बोला स्टेबिलिटी जो उसने बात की है, हर चीज में कंसिस्टेंसली आप चीजों को लेके चलें, और कौम जो है आपके साथ खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है कि कौम आपके साथ नहीं खड़ी है, लेकिन कौम को भी एतमाद की जरूरत है इस वक्त। हम कंफ्यूज नजर आते हैं एज ए नेशन, क्योंकि हमें पता नहीं, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई विजन नहीं है। अगर इंडिया की बात करें वो किस तरीके से विजन के साथ चला, उसके अंदर उसकी पब्लिक ही मतलब ये है कि अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अदारे उनके अच्छा काम करें जिसकी वजह से वो आगे जा। Everyone working very well. सबसे पहले तो ये देखें ना कि मोदी सरकार जो है 10 साल तक मोदी सरकार ही वहाँ पे एक टिकी हुई है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपका फोकस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब एक हुकूमत स्टेबल करती है ना, वो जो प्लान जो उसके जो एम होते हैं कि हमने ये काम शुरू करना है वो उसको मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे 3 साल किसी की चली तोड़ दिया, 2 साल किसी की चली, 5 साल चली, वो जो अपना जो 5 साल किसी, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, गवर्नमेंट एक तो पूरी हुई है, प्राइम मिनिस्टर है, तो मतलब जिसकी जितनी भी चल पाती है वो तोड़ दी जाती है उसको।
अनस्टेबिलिटी, कौम की यही आवाज है, मेरी नहीं बल्कि सबकी यही आवाज है, और इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, यहाँ पे कौम के बारे में सोचने की जरूरत है बेसिकली। यहाँ पे हम दूसरे नेबर कंट्रीज के साथ अगर कुछ गलत होता है उससे कंपैरिजन करते हैं या उस पर इल्जाम लगाते हैं, तो जहाँ पे बेहतर हो रहा है सीखना भी चाहिए या नहीं? अप्रिशिएट तो नो डाउट करना चाहिए, सीखना भी चाहिए कि नहीं? सीखना मेरी